के साथ जो स्टार कास्ट है वो सभी अपने फैंस के बीच तो काफ़ी फेमस हैं और अब ये अपनी फिल्म लेके आ रहे हैं फेमस, तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं। वेलकम टू E24 आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूँगी क्योंकि फिल्म का नाम ही फेमस है, कितना इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइटल है ये, कैसे कैसे ख्याल में आया ये टाइटल? हालांकि ये डायरेक्टर का सवाल है, लेकिन फिर भी फेमस जो वर्ड है वो कहानी से बहुत ही रेलिवेंट है। जितने किरदार है इसमें ये कहीं ना कहीं अपने इसमें फेमस है या फेमस होना चाहते हैं। तो फेमस अगर इसको FAMOUS करते तो ये बहुत ही इंग्लिश वर्ड है, पर ये वर्ड जो है वो आप किसी भी गांव किसी भी खेड़े में चले जाओ, शब्द सबको पता है मगर उनके लिए वो फेमस है। तो वहीं से निकला ये आइडिया कि भैया ये फेमस नाम रखा जाए, ये कहानी है फेमस। क्योंकि पंकज सर एंड जिमी सर आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या टाइटल को लेके आप लोगों को थोड़ी ये हुई कि काफ़ी यूनिक सा टाइटल है, क्योंकि यूजुअली ऐसा मूवी का टाइटल होता नहीं है? नहीं, बट हमारी जैसे स्क्रिप्ट के मुताबिक करेक्ट था कि देखो एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, हर किसी को फेमस होना है अपने सोसाइटी में, मोहल्ले में, गाँव में, कस्बे में, कुछ को देश में होना है, कुछ को ग्लोबली फेमस होना है पूरे संसार में। तो वैसे ही एक लोगों की कहानी है, सब कुछ वो हैं, कुछ होना चाहते हैं, तो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये करेक्ट नाम है। अजय, साथ ही आपके किरदार की बात करें तो किरदार के बारे में बता दीजिए, किस तरीके का किरदार है आपका? किरदार मेरा तो, मेरे किरदार का नाम है राधे, मगर इनके किरदार का पहले पूछिए आप इनका किरदार ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नहीं, इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि राधे हैं, तो राधे हैं तो कंस भी चाहिए उधर सराउंडिंग में। मैं एक लीडर बना हूँ, नेता हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग नेता हैं, बहुत रंग है उनमें, बहुत सारे रंग हैं, बड़े गंभीर हैं, इंटरनल आदमी हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं, लेकिन वो इंटरटेन भी करते हैं और बहुत उनसे चिढ़ भी होगी, नफरत भी होगी, बहुत गिरा हुआ आदमी है। अच्छा साथी माही, आपसे भी जानना चाहूँगी किस तरीके का किरदार है आपका फिल्म में? एक स्कूल टीचर है गांव में और बच्चों को पढ़ाती है और बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन है और उस तरह का रोल है, और जब उसके साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जिसके कारण कहानी बदल जाती है फिल्म में। क्योंकि पंकज सर के साथ भी आपके सीन शूट हुए हैं, कुछ कैसा रहा एक्सपीरियंस, कितने मजाकिया हैं ये? नहीं, हमारे को मजाक करने का मौका नहीं मिला क्योंकि उस टाइम हम शूट कर रहे थे फिल्म और सीरियस रोल था हमारा जो सीक्वेंस था, तो पर अच्छा लगा इनके साथ काम करके। जिमी सर आपसे जानना चाहूँगी कैसा रहा शूट का एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा सेट पे मस्ती कौन करता है, क्योंकि आप हमसे बात करते हुए भी काफ़ी कम बोलते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कौन सबसे ज़्यादा ये बहुत इनके ना एक मुखौटा डाला हुआ इन्होंने अपने मुंह पर कि ये ऐसे अकेले चुप रहते हैं, उल्टा मैं हूँ वैसी, मैं चुप रहती हूँ, अभी मैं ज्यादा बोल रही हूँ। ज्यादा प्रैंक्स सेट पे जो है, सेट पे भी हर जगह जिमी सर करते हैं। अब तो आप पे इतने इल्जाम लग रहे हैं, अब तो आप बात कर लीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, अब ये सबके सब इकट्ठे हो गए मेरी क्लास ले रहे हैं। रियलिटी इज कि KK सर जो है वो ही इज द प्रैंकस्टर, वो जब तक उनका शॉट नहीं होगा तो वो उनके प्रैंक्स चलते रहेंगे। और अपना जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो अपना जाता हूँ काम पे। मैं कहाँ यार, क्या बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं कभी नहीं, किसी से भी पूछ लीजिएगा, ये सब इकट्ठे हुए हैं तो मेरी, इनको भी पता है कि KK सर जो हैं वो कमाल के प्रैंकस्टर हैं। इनको पूछिए, कल इनका इंटरव्यू हो रहा था, क्या कर रहे थे वो पूछ लीजिए, क्या कर रहे थे बता दीजिए। मजा लेना यार, इसमें क्या दिक्कत है। साथ ही जिमी सर एंड माही, आप दोनों से जानना चाहूंगी, आप दोनों की साहिबी भी और गैंगस्टर भी 3 भी स्टार्ट होने वाली है साथ में, कब से स्टार्ट हो रही है फिल्म, कब फ्लोर पे कंप्लीट हो गई? मैम 27 जुलाई को रिलीज हो रही है फिल्म ऊपर वाले की। तो कितना अलग दिखने वाला है इस बार, क्योंकि हमने साहिब बीवी गैंगस्टर ट्रेलर आ जाने दीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना अलग है क्या है। हम लोग तो वही हैं, साहिब और बीवी तो वही होंगे, हम लोग ज़्यादा तो चेंज नहीं कर सकते, बट कहानी चेंज है, गैंगस्टर चेंज है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग देखने को मिलेंगी आपको इस बार। माही, आपका किरदार कैसे देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने प्रीवियस देखा आपका किरदार काफ़ी अमेजिंग था, इसमें कितना डिफरेंस नज़र आएगा आपके किरदार? उसी के आगे ही चल रही है कहानी और इस बार तो ज़्यादा खतरनाक है कैरेक्टर। चलिए जाते जाते आपकी जो ऑडियंस है उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बस मैं यही कहूँगी कि फिल्म ज़रूर देखिएगा, 1 जून को रिलीज़ हो रही है फेमस, और इस फिल्म को फेमस कर दीजिए। थैंक यू आप सबका हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ आना अरोड़ा, E24 न्यूज़ 24 मोबाइल।